पाकिस्तान में जब भी कोई छोटी मोटी चीज़ बनवानी हो या कोई ख़राब हो गई हो, चाहे वो सैनिटरी का काम हो, प्लम्बिंग हो, पेंटिंग हो, या कुछ भी बनवाना हो, कंस्ट्रक्शन का काम, तो हम बड़े आसानी से मुलाजिम हो या किसी दूसरे बंदे को हायर करते हैं और वो काम हो जाता है। अमेरिका में आपने अमूमन देखा होगा कि हर काम वहाँ के मकामी लोग खुद करते हैं। अगर किसी का घर है तो वो घर में प्लम्बिंग भी खुद ही करते हैं, वो कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो या कोई पेंटिंग हो, वो सब खुद ही करते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे किसी भी आदमी को बुलाना या हायर करना इंतहाई एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो दो लोग पेंटिंग का काम कर रहे हैं, यू वुड बी सरप्राइज टू नो, ये एक घंटे के 80 से $100 तकरीबन ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 15 से 18 हज़ार बनते हैं एक घंटे के 18 हज़ार। इसी वजह से लोग यहाँ पे जो हैं वो खुद काम प्रेफर करते हैं, क्योंकि इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। जस्ट टू लेट यू नो कि कितना यहाँ पे वर्कर्स और हायर्स जो यहाँ पे काम करते हैं, कोई भी मुख्तलिफ शोबों से रिलेटेड, वो किस तरीके से यहाँ पे पेमेंट होती है, किस तरीके से लोग यहाँ पे कमाते हैं। सो जस्ट इमेजिन $100 पर आर मल्टीप्लाइड बाय 8 hours a day, एंड फिर वो हफ्ते में 5 दिन, जस्ट इमेजिन हाउ मच दैट मनी इज़। सो दिस इज़ अमेरिका एंड दिस इज़ हाउ यहाँ पे काम होते हैं। दैट्स वाई बहुत से लोग यूज़ टू डू देयर वर्क ऑन देयर ओन, चाहे वो पेंटिंग हो, कुछ भी हो, एंड या दैट्स इट।